Hi guys, welcome back to another video. So actually this is the part 2 of the previous video जिसमें हमने ये जो amplifier system है NPN and PNP configuration वाला इसको बनाया था, but unfortunately इसमें issue आ रहा था और ये बिल्कुल भी इसका जो sound था वो ठीक नहीं आ रहा था और distorted sound आ रहा था। इसका मैं आपको पहले ज़रा sound check करवा लेता हूँ। microphone में लेके चलता हूँ हमारे testing speaker के पास। Bluetooth mode. तो यहाँ से तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा, इस वक्त हर जगह से वॉल्यूम फुल है। इस बेस ट्रेबल कंट्रोल से भी वॉल्यूम फुल है और हर जगह से वॉल्यूम फुल है और हमें बहुत एक तो लो साउंड आ रहा है, दूसरा ये कि डिस्टॉर्टेड साउंड आ रहा है। नॉइज़ वगैरह तो कुछ भी नहीं है और कोई भी चीज़ ओवरहीट नहीं हो रही हमारे इस सिस्टम के अंदर, बट ये है कि इसमें कोई ना कोई ऑब्वियसली इशू है ही, तो हमें इस तरह का यहाँ पर साउंड आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। डिज़ाइन के अंदर कोई भी किसी तरह का फ्लॉ नहीं है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन इट और आई टेस्टेड इट ऑन द सॉफ्टवेयर। सो अभी हम फिगर आउट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे जहाँ तक शक पड़ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये मेरा अपना डिज़ाइन है, तो इसको इंशाल्लाह मैं जल्दी ही इसकी फॉल्ट ट्रेसिंग कर लूँगा। बट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके सामने एक तो मैं लाइव फॉल्ट ट्रेसिंग करूँगा और ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो जिनका सर्किट जो है वो जब सही नहीं चलता तो वो या तो मार्केट से जाकर न्यू परचेज कर लेते हैं या सर्किट को तोड़ फोड़ देते हैं। तो तोड़ने फोड़ने से बेटर यह है कि आपके पास कुछ चीज़ें हों, जैसा कि मेरे पास ये मल्टीमीटर है, ठीक है, और इसके अलावा एक टेस्टिंग केबल मैंने ये बनाई हुई है। आप किसी भी तरह से फॉल्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं, तो आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिससे आप फॉल्ट ट्रेसिंग ईजिली कर लें। तो इतनी मेहनत से सिस्टम बना के और उसके बाद उसको तोड़ फोड़ देना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं ना हुई। वेल अभी हम इसकी करते हैं लाइव फॉल्ट ट्रेसिंग। तो मैंने इसके वैसे टाइम बचाने के लिए जितने भी रेजिस्टर्स थे, कैपेसिटर्स वगैरह थे, ट्रांजिस्टर्स थे, उनको मैंने चेक कर लिया था, शॉर्ट इसमें से कुछ भी नहीं है। तो मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कनेक्शन या तो लूज़ है या तो कोई ना कोई पीसीबी में फ्लॉ है जो कनेक्शन, या तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई मिसिंग है, ठीक है। तो हम करेंगे जी लाइव फॉल्ट इसकी ट्रेसिंग। वैसे तो रिकमेंडेड नहीं होता, हर जगह के ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि आप इलेक्ट्रिक हैजर्ड से बचने के लिए सिस्टम को बंद करके फॉल्ट ट्रेसिंग करें, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर लाइव फॉल्ट ट्रेसिंग करने वाला हूं। तो ऑब्वियसली अब वीडियो बना रहा हूं तो कुछ ना कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए ना, वरना आपको समझ कैसे आएगी। ओके, मैं सबसे पहले तो आपको इसका ना साउंड चेक करवाता हूं। तो ये आप सुन सकते हैं काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड साउंड आ रहा है, बिल्कुल भी ठीक तरह से साउंड हमें नहीं आ रहा। अच्छा, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने एक कैमरा यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से भी आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए और ये मेरी शक्ल भी आप देख रहे हैं, तो ताकि आपकी प्रॉपर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग आपकी हो। ओके, सो सबसे पहले तो मैं मीटर को जो है ना वो रखता हूँ डीसी पे। आवाज़ इसकी ज़रा मैं कम कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये अजीब सी आवाज़ आ रही है। ओके, मीटर को मैंने रख दिया डीसी के ऊपर, ठीक है, इस कैमरा में नज़र आ रहा है तो वेल एंड गुड, ऑलराइट आ रहा है नज़र, ऑलराइट। सो ओके, अच्छा अब हम करने वाले हैं जी इसको मीटर की मदद से चेक और देखते हैं कि क्या होता है। वेल सबसे पहले तो हम इसकी चेक करने वाले हैं वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज हम चेक करते हैं पहले तो इसकी, जो कि हमें मिल रही है वीसीसी एंड इसके अलावा नेगेटिव वीसीसी, ग्राउंड एंड प्लस वीसीसी, वो हम चेक करते हैं। ओके, सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज को चेक करते हैं। ये है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसको पहले चेक कर लेते हैं। दूसरी पिन हमने लगाई ग्राउंड पर, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल ठीक वोल्टेज आ रहे हैं, 69 वोल्ट्स यहाँ पर हमें आ रहे हैं, अराउंड 70 वोल्ट्स हमें इधर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ये वाला ट्रांजिस्टर, ऑल राइट। सो गाइस, कलेक्टर ऑब्वियसली ये जो हीट सिंक है ये कनेक्टेड है कलेक्टर के इस ट्रांजिस्टर के, क्योंकि इतना बेसिक तो ऑब्वियसली आपको आइडिया होगा। जो बीच वाली पिन होती है वो जो हमारा हीट सिंक होता है, अगर वहाँ पर हमने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई पीछे, तो वो उसके साथ अर्थ होती है हमारे हीट सिंक के साथ। तो कलेक्टर पर एक्चुअली मैं ये पिन लगा रहा हूँ और जो दूसरी पिन है वो मैं ग्राउंड पर लगा रहा हूँ और यहाँ पर हमें वोल्ट्स कम मिल रहे हैं। तो यहाँ से फॉल्ट ट्रेसिंग जो है वो उसका आगाज़ मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि जो ये वाला ट्रांजिस्टर है ना गाइस, ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, इसको वोल्टेज पूरी नहीं मिल रही। क्योंकि ड्यूरिंग टेस्टिंग, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जब हम इसकी टेस्टिंग कर रहे थे तो ये हीटअप हो रहा था, बट ये हीटअप बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, ये बिल्कुल एक तरह से समझ लें कि आइडल स्टेट के ऊपर था। तो इसको मैं चेक करता हूँ प्लस वीसीसी के साथ लगा के, क्योंकि ये मैंने खुद डिज़ाइन बनाया था तो इतना मुझे आइडिया है कि जो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो प्लस वीसीसी के अंदर लगता है। तो अभी हम देखते हैं कि साउंड पर कोई फ़र्क पड़ता है, आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया हर जगह से। ओके, ये है हमारे पास प्लस 45 का लिंक, यहाँ पर मैं ज़रा लगाता हूँ इसको।
मैं यहाँ पर लगाने लगूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। सरप्राइज इतनी सी बात थी, फॉल्ट हैज बीन ट्रेस्ड। आप ये देख सकते हैं ये वायर है, जब मैं ये लगाऊंगा यहाँ पर यानी कि प्लस 45 के लिंक के ऊपर, तो हमारा साउंड बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपको मैं माइक्रोफोन से भी करीब ले जा के दिखा देता हूँ। इस वक्त हमारा गेट स्टॉप है, ये भी हमारा गेट स्टॉप है, तो इसको यहाँ पर कनेक्शन पूरा कर देता है। इसकी वायर यहाँ से निकल गई है, वन सेकंड इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो यही था कि हमारा जो NPN ट्रांजिस्टर था यानी कि वन ऑफ द ट्रांजिस्टर, उसको प्रॉपर पूरी पावर नहीं मिल रही थी। तो अब जब भी मैं इसको पूरी पावर देता हूं इस तरह से, तो साउंड बिल्कुल ठीक हो जाता है हमारा। ये देखिए, तो गाइस फॉल्ट हमारा ट्रेस हो चुका है। इस तरह से हमने जो फॉल्ट ट्रेसिंग है वो करनी होती है, और बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं अगर आप वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अभी मैं इसके साथ बड़ा स्पीकर लगाता हूँ और इसका साउंड हम फिर प्रॉपरली टेस्ट करते हैं। गाइस तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने लगा दिया बड़ा स्पीकर यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं ये करने वाला हूँ कि इसके साथ ये मैंने वायर एक लिया है, जो कनेक्शन हमारा यहाँ से मिसिंग था वो कनेक्शन मैं आपके सामने यहाँ पर अभी पूरा करता हूँ, और आपको ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सिस्टम में हमारे इस वक्त ऑन है, इट इज़ रिस्की, बट आपके सामने मैं अभी ये करने वाला हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से मैं जो कलेक्टर है इसका, आवाज़ थोड़ी सी कम कर दूँ, जो हमारा कलेक्टर है उसका कनेक्शन अभी पूरा करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप साउंड ऑब्जर्व कीजिएगा कि किस तरह से आपका एकदम से हमारा जो साउंड है यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये हमारी वायर लग गई है यहाँ पर। So that's it. वेल गाइज, हमारा जो एम्पलीफायर है वो बिल्कुल ठीक हो गया इस वक्त, और बिल्कुल ठीक तरीके से इस वक्त ये वर्किंग में। मैं आपको इसका साउंड भी चेक करवा देता हूँ। वेल गाइज, फॉल्ट ट्रेस हमने कर लिया, और इस तरह से जो फॉल्ट है वो आप किसी भी एम्पलीफायर का, ख़ास तौर पर अगर आप ख़ुद बनाते हैं तो ईज़िली आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा ये एक तरीका था, और सबसे पहले क्योंकि हमने जो पावर स्टेज पे ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, उनको टेस्ट करना होता है अगर हमारे पास कोई इस तरह का इशू आता है। क्योंकि अगर आपके पास आउटपुट आ रही है बट डिस्टॉर्टेड आउटपुट आ रही है, तो इट मीन्स कि इतना बड़ा कोई इशू नहीं है आपके सिस्टम के अंदर, उसमें कोई छोटा मोटा इशू होता है। जैसे इसके अंदर था सिर्फ एक लिंक मिसिंग था जो कि फ्लॉ था इस PCB डिज़ाइन का। अब
ऐसा है कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बनाऊंगा ये सर्किट। ये है एक्चुअली इसी सर्किट का मॉडिफाइड वर्जन, क्योंकि इसमें जो है पावर सप्लाई जो है वो मैंने ऐड की हुई है। तो ऑब्वियसली अब मुझे पता चल गया कि इसके अंदर क्या फ्लॉ था, तो उस वाले सर्किट के अंदर वो मैं पहले से ही ठीक करके रखूंगा ताकि हमारे पास जो है वो किसी भी तरह का कोई इशू ना आए उसके अंदर। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपकी कोई सजेशन है तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। कोई भी चीज़ अगर आपने पूछनी है तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।